शोध कैसे करता है हमारा शंकर, आइए देखते हैं। क्या बात है रे, आज तू काम पे नहीं गया? वो बात नहीं है साहब जी, गांव में सब लोग कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं, वो सच है या झूठ मालूम करने के लिए आया हूँ। किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे काम किया था ना, तो उसके तो पैसे दे दिए ना। कहाँ साहब, हमने 5 दिन काम किया था, आपने 4 दिन का ही पैसा दिया। देख मैं अपनी किताब में गलत लिख सकता हूँ लेकिन प्रेसिडेंट गलत नहीं लिख सकते। ये देख, देखना ये गलत हिसाब है। माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के पहाड़ी पे चढ़ के काम करते हम लोग, हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं और आप लोग ऐसा काम करते हो, मैं इसका विरोध करूंगा। का बोला रे तूने कमीने, हमारे परदादा प्रेसिडेंट थे, हमारे दादा प्रेसिडेंट थे और अब हम प्रेसिडेंट हैं। 70 साल से हमारा राज है रे। हमने जो लिखा वो गलत है और तू उसका विरोध करेगा? क्या हुआ? 4 दिन का पैसा दे रहे, हमने 5 दिन काम किया, मैंने बोला ये गलत है तो देखो कैसे मारा है। प्रेसिडेंट साहब, आप जो कर रहे हैं गलत है। आपने बोला क्या और कर क्या रहे हैं? तो किससे बात कर रहा है तुझको पता है ना? पता है, आपको 2 दिन कम करना चाहिए था। अच्छा, ये क्या साहब, न्याय दिलवाने की जगह आप खुद अन्याय कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ प्रेसिडेंट जी, ऐसे मामले मुझे दिया कीजिए सर, आपने देखा ना 2 मिनट में सॉल्व कर दिया मैंने। अरे इंस्पेक्टर, बस फालतू बातें करनी आती है, हम तुझे एक काम बोले थे, 3 दिन हो गए जब देखो सिर्फ कहानी कहानी सुनाते रहता है। अरे इंस्पेक्टर, तुमसे कुछ भी काम नहीं होता, हमारा काम रुका है उसका का? वो क्या है ना सर कि आपसे प्रसाद लिए बहुत दिन हो गए हैं। बस खाली प्रसाद खाने आ जाता है। अरे जाकर चुपचाप अपना काम कर और जो बचा खुचा है ना वो हम तुमको दे देंगे गरम गरम। चल जा। आता हूँ 1 घंटे में। जा। ए, उस बड्डे के घर चल। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? वेंकटेश कहाँ है? साहब जी उन्हें बुखार है, अभी अभी सोए हैं वो। बुखार में पड़ा है कि पी के पड़ा है? साहब जी, तू यहाँ बिस्तर पर चुपचाप पी के आराम कर रहा है? कभी बुखार का, कभी पीठ दर्द, कभी सर दर्द बोलकर तू अगर ऐसे बिस्तर पकड़ेगा ना तो हमारी जेब कैसे गर्म होगी रे? साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। चुप। ए, कौन है तू? हट सामने से। पहले उसकी गलती बताइए, उसके बाद ही मैं हटूंगा सर। क्या रे, हर किसी का सवाल का जवाब दूंगा मैं, इससे क्या संबंध है तेरा? ये गांव है सर और इस गांव में हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, बहन भाई मौसी चाचा बोलकर एक दूसरे को बड़े प्यार से पुकारते हैं। मेरे गांव के एक बुजुर्ग आदमी को आप इस तरह बेइज्जत करके ले जाओगे तो मैं चुप बैठूंगा? ए, अगर नहीं हटा तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर, क्योंकि आप एक पुलिस वाले हो और आपने जो वर्दी पहनी है इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कहीं गलत हो तो पुलिस को आना चाहिए, गलत काम करने के लिए नहीं। क्या ये नकली शराब के साथ पकड़ा गया या बैंक रॉबरी करते हुए पकड़ा गया सर? जो 4 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ है उसे आप जबरदस्ती लेकर जा रहे हो, गलत बात है सर। क्या रहे तो मेरे खिलाफ जाएगा? प्रेसिडेंट साहब ने बोला है। प्रेसिडेंट साहब के दिए हुए प्रसाद से आपको हिम्मत आती होगी सर, लेकिन आप में जो हिम्मत है उससे कहीं ज्यादा हिम्मत हम में है। बहुत बोल रहा है तू। पब्लिक बहुत बढ़ती जा रही है सर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उसको छोड़ दे। उसे तो छोड़ दिया है मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा।
अरे सुन तो। हाँ। वो निठल्ला कहाँ पर है? कौन, किसकी बात कर रही है? कौन क्या, तेरा प्यारा सा छोटा बेटा पूरे गांव में घूमता रहता है। देख आया अभी रंग लगा के। क्या दादी, जब देखो मेरे बारे में बातें करती रहती हो। क्या तोड़ रही हो सुपारी, और कोई दूसरा काम नहीं है? जरा अपने दांत दिखाना। अरे दादी, तुम्हारे तो ये दांत भी सुपारी की तरह हो गए हैं। ठीक है, करो काम करो। सुनिए जी, शाम को जल्दी आइएगा। सबको मैं नचाऊंगा। चिंता, तूने इंस्पेक्टर से पंगा क्यों लिया? तुम्हें क्या पता उसने क्या किया। वो पुलिस की नौकरी नहीं करता, प्रेसिडेंट का प्रसाद खाने जाता है। तुझे क्या करना है, वो बड़े लोग हैं। जानता हूँ वो कितने बड़े हैं। तुम्हारे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हारी तरह जिंदगी नहीं जी सकता। जो गलत करेगा उससे मैं सवाल करूंगा। क्या रे, हर बात का जवाब दे रहा तू? बहुत ज़बान चल रही तेरी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो लोग? ऐसा क्या हो गया? छोड़ो ना, क्या किया तूने? वाला इसकी वजह से हम लोग एक दिन रोड पे आ जाएंगे। तू अभी काम पे जा। आइंदा बिना मतलब तूने गांव के लफड़े में अपनी टांग अड़ाई ना तो क्या करेगा तू? बोला ना, चुप रहे, उसका टिफिन दे दे। इधर ला। चल अंदर, चुप क्या अंदर चल। करने वाला। नमस्ते सर, नमस्ते। पूरी जमीन खराब हो रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने लोन के लिए अर्जी दी थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो थोड़ा तो आपके हाथ में होगा ना। मुझसे क्या पूछते हो, मैं बता चुका हूँ ना, आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे आप कुछ तो कीजिए सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ करने की। सुनिए सर, सुनिए। थोड़ा जल्दी आ जाया करिए, खाना ठंडा हो जाता है। क्या खाऊंगा, उधर खेती की हालत देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी पी लीजिए। का रे गंगाधर, गांव में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं? एक गांव को लंका और आपको रावण समझते हैं मालिक। कहा बोला रे? मालिक आपको भगवान समझते हैं। अब देख का रहा है और डालना। डालता हूँ। अरे वो शंकरवा है कारे, उसको तो हमारा साथ देना चाहिए। वो हमारे अगेंस्ट काहे जा रहा है? बाप रे बाप, हमारा दिमाग खराब करके रखा है उसने। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती की है उसने। शेर पिंजरे में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। जब वो बाहर होता है तभी उसकी ताकत पता चलती है। कभी ना कभी तो शंकर का पाला पुलिस स्टेशन से पड़ेगा ही। आएगा मगर बाहर नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, पुलिस वाले तो तेरी तरह ही होने चाहिए। अरे शंकर। क्या है बुढ़िया? क्यों रे, ये भगवान की फोटो पोछे हुए कितने दिन हो गए? दादी मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। बेटा कुछ खा के जाना। नहीं माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। क्या बात है मामा? बेटा तूने भगवान शंकर से जो मांगा था वो बात पूरी होने जा रही है। गॉड इज ग्रेट। आओ। हैंडपंप से पानी नहीं आया तो मुसीबत हो जाएगी यार। रूपोप की बात की ना तो बत्ती सी तोड़ दूंगी। अरे रूपाली, मैंने सुना है तेरी शादी तय हो रही थी लेकिन टूट गई। क्या बात है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं? मेरी शादी के बारे में कुछ कहा ना तो तोड़ के रख दूंगी। ये अमरूद या फिर और कुछ? मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ए शालू, किसी अच्छे साबुन से नहाया कर, थोड़ा साफ हो जाएगी। साबुन की जरूरत तुझे है? कालू कहीं का। बाप रे, बड़ी तेज है। अरे बेटा वो प्रेसिडेंट का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। मामा जी आप फिक्र मत करो, बस मुझे एक बार पुलिस बनने दो। मेरे पुलिस बनते ही प्रेसिडेंट का खेल खत्म हो जाएगा, सबक सिखाऊंगा उसे। हाय। हाय। ए चल थोड़ा खसक। क्या बोल रहा था? क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? अरे हमने पूछा घड़े ज्यादा भारी तो नहीं है? हम इन लोगों की मदद करना चाहते थे, इन लोगों ने मना कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है शंकर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चल सॉरी बोल उसको। सॉरी मेरे को नहीं, सॉरी बहना, सॉरी। अरे इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों को तुम लोग क्यों सताते हो? फूल जितने खूबसूरत होते हैं लड़कियों का दिल भी उतना ही नाजुक होता है। क्यों मामा? अरे शालू तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहता है, समझ गई ना? है ना वांजे? उसके साथ डांस करके मजा आया ना। ए पार्वती,
कब तक नहाती रहेगी? जल्दी बाहर आना। कैसे हो तुम लोग, ठीक से नहाने भी नहीं देते। अरे पागल, जल्दी बाहर तो आ। अरे आना, कितना वेट करवाएगी? क्या है, इतना क्या जरूरी काम है तुम लोगों को? अरे जानती है, हमने शंकर के साथ डांस किया। डांस किया? हाँ, हम सब ने वहाँ शंकर के साथ डांस किया। उसके साथ डांस करने वाली तुम लोग कौन होती हो? अगर उसे डांस करना है तो सिर्फ मेरे साथ कर सकता है। लगता है तुम लोग मेरा घर बसने से पहले ही जा दोगे। नमो पवनेश्वर। अरे बेटा रुक जा। रुक रुक रुक, क्या लेकर आई? ये जरा अपनी बहन को दिया। क्या है इसमें? उसकी पसंद का खाना बनाया है। अरे जाओ ना। अरे रुक 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 ना, जाके दे आना मेरा सोना बेटा। हमेशा बातों में मुझे फंसा देती है। आ जा रहा हूँ, रास्ते में ही खा जाऊंगा। ओए सुन, सुन तो। हाँ, क्या है? क्या कहकर पुकारा तूने? ओए कहकर बुलाया। ओए क्या होता है? प्यार से सुनो जी, श्रीमान जी कहकर पुकारना चाहिए। ओहो, क्या हुआ, शर्मा रही है क्या? अच्छा चलो बताओ, काम क्या है तुम्हारा? ये लो, आते समय चमेली के फूल का गजरा लेकर आना। फूल मैं लाऊं? अरे हमारे बगीचे में गेंदे का फूल है ना, वही लगा ले। हे भगवान, तुझे तो गेंदे और चमेली के फूल में फर्क भी नहीं पता, तुझे कैसे प्यार कर लिया मैंने। अच्छा ऐसा क्या, चमेली और गेंदे के फूल में फर्क होता है? बता क्या फर्क होता है। नहीं बताएगी? बाद में बताएगी, चल कोई बात नहीं। ये तू ही रख ले, आइसक्रीम खा लेना। तू जा, मैं ले आऊंगा। चल चलता हूँ। अरे जाना, देख क्या रही है। जब तक औरतें अपने बालों में फूल नहीं लगा लेगी, तब तक मर्दों का कुछ नहीं हो सकता, सही में कुछ नहीं हो सकता। अरे तुम लोगों को ही बोल रहा हूँ। ए दादी, मेरे लिए भी गर्म पानी रख, मुझे नहाना है। नहीं रखती, जा। ठीक है मत रख, सोचा था नहाने के बाद तुझे पिक्चर ले जाऊंगा, अब नहीं लेके जाऊंगा, तेरी किस्मत। फिल्म दिखाएगा? अरे बेटा मुझे एक बार ले चलना। पानी रखने को बोला तो नहीं रखा? तो फिल्म का नाम बोलना। क्यूट गर्ल। ठीक है रेडी हो जा, चल। ठीक है। क्या? क्यों रे, कैसी लग रही हूँ मैं? नहलाने के बाद लाश जैसी लग रही हो। क्या? चल फिल्म देखने चलेंगे। क्या शमशान में जाओगी? शमशान क्यों? अरे मेरी प्यारी दादी, इस उम्र में खूबसूरत लड़कियों के साथ जाना चाहिए, दादी के साथ थोड़ी कोई जाता है, ये गलत होगा। वो क्या है ना, मैंने बाहुबली नहीं देखी। अरे बुढ़िया, ये शक्ल लेकर कितनी बार बाहुबली देखने जाएगी? चल अब अंदर जाकर सो जा, चुपचाप जा। ए बंदर कहीं का, दरवाजा बंद कर ले नहीं तो सही में आ जाएंगे। अरे शंकर रुक 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 रुक। क्या है दीदी? क्या रे शंकर, इतना सज धज के कहाँ जा रहा है तू? वो वो थोड़ा सा। हाँ, मैं समझ गई। तुझे देखकर कहीं मेरी नजर न लग जाए। एक मिनट। बढ़िया, आशीर्वाद दीदी। यशस्वी ओ मेघा रे मेघा, थोड़ा थम जाओ, ये मेरा संदेश तक पहुंचाओ। मेघा रे मेघा, थोड़ा थम जाओ, मेरा संदेश उन तक पहुंचाओ। अरे अब वहीं पर खड़ी खड़ी शर्माती रहेगी, चल इधर आ। आजा, 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 आजा। क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? कैसा लग रहा हूँ? एकदम दबंग लग रहे हो। अगर मैं दबंग लग रहा हूँ तो तू क्या लग रही है? अरे बोलना, शर्मा रही है? अच्छा ये देख, तेरे लिए मैं ये गजरा लेके आया हूँ। तो लगा दो ना। चल अब टर्न बैक कर। बैक 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 बैक। मेरी तो हालत खराब हो रही है। चल बेटा जल्दी से निकल वरना कोई देख लेगा। चल भाग भाग, चल भाई टाटा। जरा मुड़ के देख तो लूं कैसी लग रही है। अरे
अरे दीदी क्या ये इतनी धूप है और पाँव में चप्पल भी नहीं पहनी, तो क्या करूँ मैं? अच्छा लाओ मुझे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत वजन है। अरे इतना भी वजन नहीं उठा सकूँ तो क्या फायदा, लाओ इधर, ये कोई नई बात नहीं है। संभल कर। क्या दीदी तुम भी इतना वजन कैसे उठा लेती हो, तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? अगर इतना वजन नहीं उठाऊंगी तो अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? तेरा और मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन फिर भी तू मुझे सगी बहन से ज्यादा मानता है, तू ही है जो मेरा दुख समझता है। अरे दीदी फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। देखो दीदी आज के बाद इतना वजन मत उठाना, खामखा बीमार हो जाओगे। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे शंकर अब खाना खा के जाओ। अरे बाप रे खाना? हाँ। नहीं नहीं उससे अच्छा काम करो, एक लोटा ठंडा पानी पिला दो। क्या दुर्गा सब ठीक है ना? ठीक है मामा जी। दे दे उसे पानी दे। ये लो मामा जी, पार्वती के पास जाते हैं तो लस्सी पिला देती। दीदी इसको जरा कंट्रोल में रखो, बहुत ज्यादा बोलने लगी है। अरे भाई लोगों इस तरह खाली बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, समझे? क्यों मामा जी? तो क्या करें भांजे? अरे गोविंद ये स्टूल डांस क्यों कर रहा है? अरे रात में पलंग टूट गया ना, तो पलंग पर मैं और मेरी बीवी डिशिंग 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 डिशिंग। बस 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 ज्यादा मत बोल, सब लोग सुन लेंगे। क्या चिंटू समाचार पढ़ रहा है? चल बता आज के मुख्य समाचार क्या है। सनी लियोनी ने एक्सपोज करने से मना किया, केरला की जनता दुखी हुई। केरला का तो पता नहीं लेकिन ये बहुत दुखी हो रहा है। अरे ये फालतू न्यूज बंद कर और कुछ गांव से संबंधित हो तो बताए यार। कल से कड़प्पा में पुलिस सिलेक्शन है। अरे ये कहां चला गया? हर टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ सर, नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँ। तू घर जाने के लिए तैयार हो जा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो सर? तू फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया है। आपने देखा वहाँ जंपिंग में कौन फर्स्ट आया, और रनिंग में रिविंग को भी सबसे पहले मैंने टच किया सर। आप दूर थे इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, और मैं वहाँ से कूदा जहाँ से कूदने के लिए सब लोग डरते हैं, चाहो तो पूछो उनसे। फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया? अरे आपने देखा मैंने जो तीर फेंका था वो कितनी दूर तक जा गिरा, आपने देखा था सर मैंने कितनी मेहनत की थी ये सब करने के लिए, और आप कहते हो कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया। सर दम जो होता है वो फिजिक में नहीं दिल में होता है सर। ये शंकर अगर पुलिस की नौकरी करेगा सर तो ईमानदारी से करेगा। रुजा मैं देखता। ये सब बोलने से तू सिलेक्ट नहीं हो जाएगा। सर 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 ऐसा मत बोलिए सर, मैं आपके पाँव पर रहता हूँ सर, ये जॉब नहीं रहेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। क्या चल रहा है सर? रिजेक्ट होने पे भी मान नहीं रहा सर। क्या ये सिर्फ इसी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो, दूसरा काम भी तो कर सकते हो। सर ये नौकरी मुझे जीने के लिए नहीं सर, न्याय को जिंदा रखने के लिए चाहिए। हमारे गाँव में हर कदम पर अन्याय है, कोई पूछने वाला नहीं तो हिम्मत बढ़ रही है। कानून को लोग पैरों तले कुचल रहे हैं, कानून बड़ा है पर छोटे लोगों को न्याय नहीं मिलता सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये नौकरी मुझे दे दीजिए सर। प्लीज सर प्लीज सर आपके पाँव पे, आपके पाँव पे सर, प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। बंद करो नाटक, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग समाज के बारे में सोचकर पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, पर एबिलिटी भी होनी चाहिए। सर 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 प्लीज सर यहाँ पे सर ऐसा मत कीजिए। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठा है? कुछ नहीं, तबीयत ठीक है ना? बता क्या हुआ? बहुत हवा में उड़ रहे थे साहब, थोड़ा झटका लगा और नीचे गिर गए, मुंह देखो कैसा बना रखा है। चुप कर। अरे तू जाना। माँ पहले उससे बोलो अगर काम करना चाहता है तो किसी के हाथ पर जोड़ के नौकरी दिलवा देता हूँ उसे। थैंक्स भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए, चल जा।
मेरे लिए किसी के पांव छूने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों के तलवे चाट रहे हो ना, उन्हीं के चाटते रहो। जाओ अपना काम करो, मेरे लिए हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। जाओ सर, जाओ यहाँ से। बड़ा आया मेरे लिए रोने वाला। अगर नौकरी मिल जाती तो तुझे पता था भैया। अरे बहना, तू तो अचानक आ गई, तूने बताया भी नहीं। माँ, भैया आप क्या सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं, ये क्या बेटी, तू अकेली आ गई? बताया होता तो इसे भेज देती ना। मैं आ जाता ना तुझे लेने के लिए। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज भी देने लग गई तू? क्यों बिटिया, कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ दादी। तेरी चिंता करते करते दादी देख कैसी दुबली हो रही है। अरे चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारे हॉस्टल में सब ठीक है ना? हाँ पापा, पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? अरे ओ दादी, आप जाकर ना आग में पानी डालो। चीची, मैं भी तुम्हारी तरह उल्टा बोलने लग गया हूँ। अरे बहन आइए, पानी गर्म करो उसके लिए। आज तो अपना पूरा घर चमक जाना चाहिए। अच्छा सब लोग खाने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ सामान लेके। चलो जल्दी। बहन आ गई तो खुशी का ठिकाना। चल अंदर, अंदर चलो। आजा। ठीक है। बहन को देखने के बाद थोड़ा टेंशन कम हुआ। नौकरी हमारी किस्मत में कहाँ लिखी है। भैया। बोलो बहना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ए, कुछ देर के बाद आना। चलो चलो भैया। हाँ बोलो बहना। मैं बोलूंगी तो आप डांटेंगे नहीं ना? नहीं नहीं, तुझे कैसे डांट सकता हूँ, तू बोल बोल। हमारे गांव का प्रेसिडेंट है ना? हाँ है ना, वो कहाँ जाएगा, इधर ही मरेगा। वो बात नहीं है भैया। हाँ। उनका बेटा अजय है ना? कुछ बोला क्या तुझे उसने? बोला क्या उसने? मुझसे प्यार करता है। तो तुमने क्या बोला? मैं भी उससे प्यार करती हूँ भैया। एक मारूंगा। प्यार करती है? अरे उसके बारे में क्या जानती है तू? चली प्यार करने। मैं आपकी बहन हूँ भैया, कुछ गलत नहीं करूंगी। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो मना कर देती हूँ। छे छे, तेरी पसंद को मैं कैसे टाल सकता हूँ, तू तो मेरी जान है। प्रेसिडेंट जी नहीं माने तो? अगर तुझे पसंद है तो गांव का प्रेसिडेंट हो या अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, उन्हें मानना ही पड़ेगा। तू बस पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसी बातें दिमाग में मत रख। मैं हूं ना। वैसे आज तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो। वाओ। क्या बेकार की बातें कर रहे हो, मैंने भैया को सब बता दिया, तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे, कोई देख लेगा। छोड़ो मुझे, जाओ। अरे इस दुनिया की किसको पड़ी है, सिर्फ एक पप्पी दे दो ना, प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। सुन तो बेटा शंकर, मेरे लिए जाके सुपारी लेके आना। सुपारी बेपारी कुछ नहीं, चल अंदर जा। चाहिए तो 10 रुपए रख ले। 10 रुपए में सुपारी खरीदना चाहती है? अरे बुढ़िया, 10 रुपए में कितनी सुपारी आएगी? ये क्या, तेरी जुबान से तो कुछ निकल ही नहीं रहा है, सुपारी खा ली क्या? ओ लल्ला, जाता हूँ। जा अंदर। कान में बहुत बढ़िया से तो मैं तंग आ गया, क्या कहूँ इसको। अरे ओ शंकर, यहाँ आ। मुझे बुलाया? हाँ तुम्हें ही बुला रहे हैं। कल 5 मजदूर आए थे। लाट साहब बनके कहाँ जा रहे हैं? मालिक यहाँ बैठे हैं, इनको प्रणाम करके नहीं जा सकते क्या? क्यों, प्रेसिडेंट साहब बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है तू। इस शराफत की भाषा नहीं समझता मालिक, लगता है इनका बंदोबस्त करना ही होगा। किसका, इनका? ऐ, 70 साल से हमारा राज है रे। मैं जानता हूँ, तुम्हारे दादा परदादा हमारे सामने झुककर बात करते थे, इसलिए मैं भी सर झुका कर। पूरा का पूरा गांव हमको भगवान समझता है, ये जान लो। जो प्रसाद देता है उसे पुजारी कहते हैं, उसे भगवान क्यों कहेंगे? उल्टी बातें करना बंद कर। एक दिन तुझे ना हमारे पास आना ही पड़ेगा। हाँ लुंगी खुल जाएगी, जरा बराबर बंद करो। प्रेसिडेंट साहब कुछ बोल रहे थे? आजकल तुझे कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ गई है रे। मैंने क्या बोला, मैंने कोई गलत बात की? 5 दिन काम करा के 4 दिन लिखा, किसी का हक छीना। हाँ? अब इसको कैसे पता, सांड की तरह बढ़ते जा रहा है, अदरक की तरह शरीर कहीं से भी फूल रही है। सर के बाल गायब हो चुके हैं। प्रेसिडेंट साहब ऐसा कुछ बोला मैंने? सुन, ये हमारी तारीफ कर रहा है कि बुराई कर रहा है? तारीफ ही समझ लीजिए मालिक, बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा। तेरी करेक्ट, चल, चलता हूँ प्रेसिडेंट साहब। चल निकल। अरे जा रहा हूँ ना, धक्का मत दे, क्या कर रहा है? हमारी बेइज्जती करता है। भगा दिया मालिक, डर के भाग गया। आपके सामने कोई टिक है या क्या? अच्छा मुंडी झुका।
हे भगवान। ए बेटा जरा जल्दी करो, खेत जाना है। ठीक है माँ। जल्दी। मुझे कर्जा चुकाना है, ऐसा मत कीजिए, ऐसे कर्ज मत कीजिए। अरे उसका कर्जा बाद में चुकाना, पूरा प्रेसिडेंट साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसके आगे पीछे घूमते हो, इसलिए मुझे कर्जा लेना पड़ता है। उसके मुंह में कीड़े पड़े जो मेरा परिवार उजाड़ रहा है। मुझे जो कहना है कह ले, प्रेसिडेंट हमारा भगवान है, उनके बारे में कुछ भी बोलो ना जान ले लूंगा। पैसे नहीं दूंगा। सारे पेपर ठीक से चेक करो। कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे। कागज दिखाओ। नहीं है सर। सर इसके पास कुछ नहीं है। क्यों रे, पेपर्स कहाँ हैं? नागेश उसके पास है क्या? इनके पास भी कुछ नहीं है सर। क्या लेके जा रहे हो? छोड़िए ना सर, ये रख लीजिए। रिश्वत दे रहा है ये तो? चल गाड़ी साइड में लगा, जल्दी जल्दी, ये पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहा है। ए, रुक, 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 रुक। तुम लोग यहीं रुको। कहाँ रे नागराजू? नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। कैसा है? अच्छा हूँ। पर तेरे भाई का तरीका अच्छा नहीं है। कहाँ रे, तुम लोगों ने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है? उससे किससे कैसे बात करनी है जरा सिखाओ, नहीं तो कहीं दिखेगा भी नहीं। वो ऐसा ही है, मैं समझाता हूँ उसे। और वैसे भी तू ना जब देखो जंगल में ड्यूटी करता रहता है, कभी कभी गांव में भी दिखाई दिया कर, लोगों को पता तो चले कि तू जिंदा है। ठीक है। जा 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 ड्यूटी कर। नमस्ते। ए, चल रे। कभी तो मुझ पर भी दया दिखाइए प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं तरस अरे, रहा। अपनी बकवास बंद कर वरना भगवान को तेरी नजर लग जाएगी। अरे मेरी नजर क्यों लगेगी, मैं तो इनका भक्त हूँ ना, मेरी नजर नहीं लगेगी। हाँ ठीक है, लगेगी। घर में थोड़ा भी पानी नहीं है बेटा, जाके हैंडपंप से थोड़ा पानी लेकर आना। माँ वो हैंडपंप का पानी अच्छा नहीं है माँ, बचपन से वही पानी पिया है तूने। ये बात है? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं थोड़ा काला काला हो गया हूँ। ये ले पकड़। हाँ? चल जा। ठीक है माँ। क्यों शंकर, पानी लेने के लिए आए हो क्या? हाँ नहीं नहीं, बोरिंग पंप में अमृत बह रहा है वो लेने के लिए आया हूँ। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेरी बातें भी कुछ कम है क्या? एक बात बताओ, इस साड़ी में बहुत कमाल लग रही है। हाँ, क्या बात है, शर्मा रही है? डांस वांस करने का इरादा है क्या? बाप रे, इसके इरादे तो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। बर्तन भूले ना। कैसा लगा? क्या? अरे नहीं, उस दिन तुम वहाँ मेले में गए थे ना, वहाँ कैसा लगा ये पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा। देख रहे हो ये घड़ा भर गया या नहीं, ये देख रहे हो ना? हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब जो देखना था देख लिया, अब घर जाओ। नहीं नहीं, मैं पूरा देख कर ही जाऊंगा, तुम चलो। दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। पिताजी पिताजी, वो बंद कर, पूरे गांव में सबके सामने मुझे बेइज्जत कर रही है। जब आपको पता चल गया है तो मैं आपको बता ही दूं कि शंकर मुझे पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगी। क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं उसे इस घर में एक कदम तक ना रखने दूं, और मैं तेरी शादी उसके साथ करूंगा, कैसे सोच लिया तूने? पिताजी आप मानेंगे तब भी उसे शादी करूंगी, और नहीं मानेंगे तब भी उसे शादी करूंगी। अब आप देखिए मैं उसके लिए क्या कर सकती हूं। पार्वती पार्वती, अरे क्या हुआ, ऊपर क्यों बैठी हो, नीचे सिग्नल नहीं पकड़ रहा है क्या? अरे बेवकूफ, ऊपर मरने के लिए चढ़ी हूँ, समझ गया? ए पार्वती नीचे उतर, नहीं तो मार डालूंगा। अरे वो मरने के लिए ही तो चढ़ी है ना, फिर मारने की बात क्यों कर रहे हो? शंकर तो अच्छा लड़का है,
शादी करवा दो दोनों की। वो बंद कर अपना, तू नीचे उतर। पहले आप मेरी और शंकर की शादी के लिए हाँ कहिए। पार्वती नीचे आ जा। उतर जा बेटी, सोचते हैं कुछ। अरे जल्दी, क्या हुआ मामा जी? तुझसे शादी के लिए मैनेजर ने मना किया इसलिए ऊपर चढ़ गई है। ए पार्वती नीचे उतर। जब तक पिताजी हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे तब तक नहीं उतरूंगी। ये ऐसी हरकतें सब तेरी वजह से करती है, नीचे आने के लिए बोल उसको। तेरी तो आ रहा हूँ, रुक बताता हूँ तुझे। अरे मैं कहाँ फंस गया? आजा तुम भी। नहीं करूंगा तो तू मर जाएगी, ऐसा बोल रही है। आजा आजा। अरे हाथ दे। ए पार्वती ये सब क्या नाटक है? इमली खा रही हूँ, तुम्हें चाहिए क्या? वहाँ नीचे तेरे माँ बाप रो रहे हैं और तू यहाँ इमली खा रही है। चल उतर। अभी सबके सामने मंगलसूत्र पहनाओगे तभी उतरूंगी यहाँ से। चल उतर। संभालिए इसे, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, और इस पर जरा नजर रखना। एक बार बचाने से कुछ नहीं होता सर, जिंदगी भर बचाने वाला चाहिए। में क्या गड़बड़ हो गई? कौन है वहाँ? मैं हूँ भांजे। इस वक्त कहाँ जा रहे हो मामा? ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। फिर मेरा क्या होगा? सुन तो मेरी बात सुन। क्या है? मुझे माफ कर दे। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ शंकर, क्यों जा रहे हो? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा भी कैसे धक धक कर रहा है, सुनोगे क्या? कहाँ चला गया है? अरे लता हाँ? तेरा भाई कहाँ चला गया जरा देखना। क्यों? तेरे पापा खेत पे गए हैं, उन्हें भूख लगी होगी, ये पता नहीं कहाँ चला गया है। ओह उसके लिए भैया क्यों, मैं जाके पापा को खाना दे आती हूँ। दूर रहने दे, तेरे भाइयों को पता चलेगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तू मत जा। माँ कैसी बातें कर रही हो, छोटी थी तब जाती थी, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जाने दो ना प्लीज प्लीज माँ। ठीक है ठीक है। देख लता, तेरे भाइयों के आने से पहले वापस आ जाना। ठीक है, संभल के जाना।
चप्पल पे हाथी बैठा है। क्या हुआ? अभी तक तूने पत्ते क्यों नहीं डाले? डालना। मैं ड्रॉप। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पिताजी के लिए खाना लेके जा रही हूँ, जाने दो मुझे। मुझे भी बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो ना कला। तुम पी के आए हो? शराबी। ए कला, क्या रे बड़ी पतिव्रता वाली बात कर रही है तू? अरे घर में इतने सारे लोग हैं, किसी को फिकर नहीं है टाइम पे खाना भिजवाने की, जरा भी अकल नहीं है, किसी को भी ख्याल नहीं मेरा। लता बेटी, अरे कोई है इधर? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे माँ रो क्यों रही है? ये रोने का समय नहीं है, आज मैं अपनी बहना की शादी करवा रहा हूँ। शंकर बेटा। अरे सुन मल्ली, जरा घर जा और जाके मंगलसूत्र लेके। और अर्जुन, जीजा के लिए एक जोड़ी नए कपड़े ला दे, आज दूल्हा बनेंगे ये। क्यों जीजा जी? अरे जाना। अरे क्या ऐसे देख रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी लेके आओ। मेरे बहन की शादी है आज, पूरे गांव में जश्न मनाएगा, तेरा भैया बहुत खुश है, बहना की इच्छा पूरी होगी, बहुत किस्मत वाली है मेरी ये बहना। जी जी बहुत किस्मत वाले हो आप, बहुत किस्मत। अरे तुम लोग आगे चलो, लाओ लाओ। माँ चलो बहना को तैयार करो, ये लो
चलो माँ एकदम अच्छे से तैयार करना, चलो जल्दी करो। तुम दोनों जीजा जी को साइड में लेकर जाओ और अच्छे से दूल्हे की तरह तैयार करना, एकदम चमकने चाहिए, चलो। आओ आओ जीजा जी, शादी करोगे ना? मेरी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, देखो कैसे देख रही है आपको। लो मंगलसूत्र पकड़ो जीजा जी, पकड़ो ना जीजा जी, बांधो जीजा जी। अरे बांधो, ऐसे देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। माँ जरा हटो तो, आप बांधो, बांधो ना जीजा जी, बांधो। अरे माँ क्यों रो रही हो? आओ आओ आओ, मर्द हो जीजा जी, सही में मर्द हो, क्या बात है। तू जैसा चाहती थी तेरे गले में पति ने मंगलसूत्र बांध दिया, हाँ? फिर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुझे जो लड़का पसंद था उसी से तेरी शादी करवाई ना, तो ऐसे मुंह उदास क्यों है तेरा, बोल। ओह मैं तुम दोनों का दर्द समझ गया, मंगलसूत्र पहना दिया पर साथ में कहाँ है, इसलिए इसलिए तू दुखी है ना, बोल इसलिए तू दुखी है ना। बस दो मिनट में ये तेरे बाजू में होगा। जब प्यार किया है तो शादी करना चाहिए, गलत काम क्यों किया है ऐसा इससे जोर से पूछना बहना, इसलिए तेरे पास भेज दिया इसे मैंने, पूछना इससे। प्रेसिडेंट के बेटे को मार कर यहाँ आराम से बैठा है, अरेस्ट करो इसे। क्या किया है इसने? उसने गलत काम किया था, उसके साथ मेरे बेटे ने जो किया पूरा गांव गवाह है, उसने बिल्कुल सही किया। बंद कर, बस ज्यादा बोल रही है। माँ इंस्पेक्टर हाथ खड़ी चल। शंकर, 70 साल के अपनी जिंदगी के इतिहास में ये कभी नहीं देखा कि किसी बाप ने अपने बेटे को आग दी, और तेरी वजह से हमको ये काम करना पड़ा। तुमको तो रुकिए, सर रुकिए। कब मिलेगा मौका? अब मिला है ये मौका, इसे तो जिंदा लाश बनाऊंगा मैं। आप सब रखिए। ऐसे मारेंगे तो मर जाएगा सर। मार दे दे। Thank you.
इसके शरीर पर खून तो नजर आ रहा है मगर इसके चेहरे पर डर नजर नहीं आ रहा। बस मैं पुलिस स्टेशन पहुंच ही रहा हूं। क्या हो रहा है ये? What's going on? प्रेसिडेंट के बेटे का मर्डर किया है। ओ, तो तू है। उस दिन जब पुलिस में भर्ती के लिए आया था तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने सोचा था कि तुझमें दुनिया को बदलने की ताकत है पर एक दिन मर्डर करेगा ये नहीं सोचा था। तो क्या करता सर? क्या करता सर? आज मैं जिस स्थिति में खड़ा हूँ उसका कारण सिर्फ आप हो। क्या मैं हूँ? हाँ सर, अगर उस वक्त आप मुझे पुलिस की नौकरी देते तो आज मैं यहाँ मुजरिम की हैसियत से खड़ा नहीं होता बल्कि मुजरिम को यहाँ लाकर खड़ा कर देता सर। मेरी बहन छोटी थी तब से उसे मैंने पाला पोसा बड़ा किया, अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, कंधों पर बिठा कर उसे स्कूल ले जाता था सर। सर अगर उसके पाँव में कांटा चुभ जाता तो मेरा दिल सहन नहीं कर पाता था सर, और ऐसे में मेरी बहन को उसने बेरहमी से मार दिया सर। तो किसी की भी जान ले लेगा तू? ऐसे लोगों को सजा देने के लिए कानून है। वही कानून तो प्रेसिडेंट का गुलाम है सर। गांव में जब कोई अन्याय होता है तो प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए या पुलिस के पास, पर अगर दोनों मिलकर अन्याय कर रहे हो तो फिर किसके पास जाना चाहिए? बताइए सर, किसके पास जाना चाहिए बताइए आप। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो ये कोर्ट, ये तारीख मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी इसी वक्त एनकाउंटर करके मुझे मार दीजिए सर, मार दीजिए। छोड़ दो इसे। सर ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है सर। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, छोड़ दो इसे। सर मैंने जो बोला वो सुनो। तेरा टाइम बहुत अच्छा है। अरे रोना बंद कर रे, मगर मच के आंसू तू काहे बहा रही है? अब खून के बदले खून होगा रे, देख लेना पुलिस स्टेशन के अंदर ही उसकी मौत होगी, बहुत जल्द ये खबर आएगी। मेरे बेटे को मारा? देखो देखो फोन आ गया। हाँ बोल इंस्पेक्टर। उस शंकरवा को जान से मार दिया ना। अरे ये खबर सुनने के लिए हमारे काम तरस रहे हैं। अरे जल्दी बोल जल्दी बोल। अरे क्या बोलूं भाई, वो शंकर आपके लिए मुसीबत है और कमिश्नर मेरे लिए। उसने कहा इसे छोड़ दो छोड़ दो, तो मुझे छोड़ना पड़ा सर। हाँ? अरे क्या बक रहा है तू? रखो फोन। अरे अरे ये क्या, मेरी किस्मत में ये लिखा था। ए, अपना रोना बंद कर, दिमाग खराब हो रहा है। अरे गंगोत्री आया मालिक। वो शंकरवा पुलिस स्टेशन के बाहर आ गया है। उसके गांव में कदम रखने से पहले उसका सर हमारे कदमों में होना चाहिए और उसका धड़ गांव से बाहर होना चाहिए। जो शंकरवा के सीने से जिगर निकाल सके ऐसे जिगर वालों को भेज।
मुझे दफनाने के लिए तूने आदमियों को भेजा था ना, लेकिन मैंने ही उन्हें दफना दिया। शेर का शिकार करने के लिए जिगर होना चाहिए, और तेरे इन लोगों के लिए मैं रावण हूँ, रावण। आज तक तू लोगों के साथ खेलता आया है, लेकिन आज के बाद मैं तेरे साथ खेलूंगा और तू देखेगा। मैं बताऊंगा तुझे। मैं हमेशा घर में खाली बैठा रहता था, और मेरा बाप बोलता था कोई काम कर, क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा मैं सोचता रहता था क्या करूँ। हाँ, लेकिन तेरी वजह से एक काम दिमाग में आ गया। बोलूँ वो क्या है तुझे? बोलूँ? मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यस, मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रेसिडेंट। आई लव यू प्रेसिडेंट, आई लव यू। ये वन साइडेड लव है, तू चाहे हाँ बोले या चाहे ना बोले, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता रहूंगा। मेरे प्यार में दर्द रहेगा, टॉर्चर रहेगा, और तेरे पास बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा तुझे। तो क्या बोलना चाहता है वो अपने दिमाग में रख, वरना दिमाग नहीं रहेगा। एक छोटा ब्रेक करने के बाद हम बात करेंगे, बात करेंगे। ए, रुक जा। माँ, आज से तेरे दो बेटे नहीं, एक ही है। वो चाहिए या मैं, डिसाइड कर लो। ये क्या कह रहा है तू बेटा? मेरी किस्मत में यही लिखा था क्या? मुझे भी तो दुख है, आज वो गई है, उसके चलते कोई और भी जाए। जंगल के लफड़ों को कभी घर में लेके नहीं आता हूँ मैं, और ये सारे गांव के लफड़ों को घर में लेके आता है। इसकी और मेरी नहीं जमेगी, इसलिए इस घर में या तो ये रहेगा या तो मैं। अरे बहू, तू ही समझा ना इसे। मतलब मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, यही ना? शंकर जो कर रहा है वो गलत नहीं है जी। ओहो, सारी फैमिली उसके सपोर्ट में है। ठीक है, मैं जंगल में रहने के लिए तैयार हूँ, पर ये जहाँ रहेगा वहाँ नहीं रहूँगा। मामा, आजकल मेरी लवर क्या कर रही है? मतलब पार्वती, मेरे टकलू लवर। अच्छा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ मामा, इसलिए उसे एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो दे दो। और गिफ्ट ऐसा होना चाहिए कि उसे हर पल उस गिफ्ट की याद आती रहनी चाहिए। ऐसा कोई गिफ्ट खरीदना है मुझे। सोच तो बहुत बड़ी है मामा, छोटी सोच तो मेरी है नहीं। शंकर, आज प्रेसिडेंट की गाड़ियाँ जंगल से निकलने वाली है। अच्छा, आज रविवार है, ऊपर से अमावस है, एकदम करेक्ट टाइम आया हुआ है। फर्स्ट गिफ्ट आज ही दे देता हूँ। Thank you.
ये सब क्या किया तूने? अरे पागल हो गया क्या तू? अरे तुझे इसकी वैल्यू पता है क्या? वो तो कमिश्नर साहब ही बताएंगे, जल्दबाजी मत कर। ए, 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 ए। सर सारा माल मिल गया है, क्या करूँ बताइए। सब कुछ लेकर ऑफिस में आ जाओ। ठीक है सर। अब बोल। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, गमछा डाल के बहुत हीरो बन रहा है तू, क्या रे इस गमछे में? हाथ हटाइए सर। छोड़िए सर। क्या सोचकर इसके बारे में बात कर रहे हो? इसके बारे में जानना है तो पहले ईमानदार बनो। ईमानदारी से रहोगे तभी टच करने का हक होगा। जहाँ अन्याय होगा वहाँ वहाँ ये जाएगा, गलत करने वालों का गला काट देगा। बहुत बड़े बड़े लोगों को ये रास्ता दिखाता है और किसी के त्याग का फल है ये। अपने गले में डाल कर देख, डाल कर देख, इसके पावर का पता चलेगा तुझे। नमस्ते सर। सर आओ शंकर, यू डन गुड जॉब, वेल डन। सर इसमें मेरे इन साहब ने बहुत मदद की है सर। क्या तुम्हारी? मेरी नहीं सर, उनकी। ए, क्या बात कर रहा तू? रुको मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी सर। शंकर सर आज से मैं तुमको स्पेशल पावर दे रहा हूँ। तुम्हारे गांव में अन्याय नाम का शब्द सुनने में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे सपोर्ट में मैं हूँ। थैंक यू सर। ऐसे कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। आज से तुम शंकर को फॉलो करोगे। मैं जानता हूँ तुम बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस में हो। इंस्पेक्टर जरा ईमानदारी से नौकरी करो, इससे सीखो कुछ। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वैसे पावर तो दे ही दी है, अब बस मुझे एक जीप दे दीजिए सर। देखने वालों का लुक होगा और मेरे लिए किक होगा। सुनो इंस्पेक्टर, शंकर को एक जीप भी दे दो। शंकर अभी कमाल दिखाएगा सर। ऑल द बेस्ट। फॉलो मी। वो हमारे लिए मुसीबत बना है और तू यहाँ मुंह लटका के हमको देख रहा है। जंगल में एक बार आग लग जाए तो बुझती नहीं है सर। उसे कमिश्नर का सपोर्ट मिल गया है, आपका प्रसाद खाया इसीलिए सलाह दे रहा हूँ। सारा काम धंधा बंद करके आराम कीजिए, चलता हूँ। अरे ए, एक बार बोला तो नहीं आता क्या? चलो जाओ यहाँ से, स्टॉक खत्म हो गया, नहीं नहीं दे रहे हैं क्या? आप हर महीने ऐसे ही बोलते रहते हो, जो स्टॉक आता है वो कहाँ जाता है? क्या रे बहुत ज्यादा बोल रहा है, एक हाथ मारूंगा ना तो उठ नहीं पाएगा, चल भाग यहाँ से। अरे जरा गाड़ी रोक, देखते हैं क्या लफड़ा हो रहा है। चल निकाल निकाल निकाल, चल निकाल। कौन है रे? क्या हुआ तिरुपति? देखो शंकर ये बोल रहा है कि राशन खत्म हो गया, मैं जब भी इसके पास आता हूँ यही जवाब मिलता है। राशन कहाँ पर है? अभी तक राशन नहीं आया। अभी बोल। सारा राशन प्रेसिडेंट के गोदाम में रखा है, मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्या करूँ? ए मल्ले गाड़ी निकाल। देख लो खुद देख लो, गरीब लोगों का पेट काट काट कर कैसे उसने अपनी संपत्ति बनाकर रखी है। ए, 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 ए। अरे क्या है रे, सब लोग मिलकर यहाँ क्या मेला लगा रखा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तूने हमारी दुकान क्यों खोल दी रे? तेरी दुकान नहीं खोली बल्कि तेरी काली जिंदगी का लोगों के सामने पर्दाफाश कर दिया है। चला जा दिखाता हूँ। अरे क्या दिखाएगा रे तू? ए, 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 अरे रुक। ए, अरे जनता के पास सिर्फ राशन कार्ड है लेकिन जो राशन मिलना चाहिए वो तो यहाँ पर है, जो दवाई टैबलेट इंजेक्शन हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो तो यहाँ पर है। स्लेट्स किताब पेन पेंसिल बेड टेबल कुर्सी। ये क्या है रे, ये चौक भी तू खा जाएगा, ये भी तुझे कम पड़ता है क्या? छीक क्या दिमाग है। ए, स्कूल के बच्चों का खाना यहाँ पर पड़ा सड़ रहा है, बद्दुआ लगेगी तुझे। गरीबों का खाना सांड की तरह खा रहा है और चरित्रवान बन रहा है। अरे हमारा 70 साल का चौक कब से इकट्ठा कर रहा है ये सब पूछने वाला तू कौन है रे? एक नागरिक जिसने वोट दिया है। हा? आधार कार्ड रखने वाला नागरिक हूँ। मेरे गाँव के लोगों सब मिलकर अभी इसके साथ क्या करें? पेड़ में बांध के मारना चाहिए, चप्पल से मारना चाहिए। अरे देख क्या रहे हम, मारो इसको। रुक जाओ। देख लिया ना इनका गुस्सा, मेरे हाँ बोलते ही तुझे सुअर की तरह मारेंगे ये लोग। और कुछ देर यहाँ रुका ना तो तेरा कीमा बन जाएगा। चल निकल निकल यहाँ से, चल जाए यहाँ से। आज के बाद आपके लिए बात करने के लिए, लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए, मारने के लिए, आपको हक दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पीछे नहीं हटूंगा।
हमारी जिंदगी में उजाला बनकर आया है हमारा शंकर। शंकर भैया शंभो शंकर डंकन कटकटा शंभो शंकर डंकन कटकटा सिर पे कांटों का ताज डंकन कलयुग का धर्मराज डंकन कटकटा जिसको सिर माथे पे बिठाए ये सारा समाज तक दिन डंकन कटकटा शंभो शंभो शंकर शंभो शंभो शंकर शंभो शंभो शंकर शंभो शंभो शंकर अरे बेटा क्या हुआ आज तो स्कूल नहीं गई? स्कूल की छुट्टी है चाचा जी। कमाल है आज तो कोई त्योहार भी नहीं है जो छुट्टी हो। अरे कल रात को स्कूल की छत गिर गई है ना शंकर, जब तक स्कूल की छत ठीक नहीं हो जाती तब तक स्कूल बंद रहेगा। शंभो शंकर डंकन कटकटा शंभो शंकर डंकन कटकटा सिर पे कांटों का ताज डंकन कटकटा कलयुग का धर्मराज डंकन कटकटा जिसको सिर माथे पे बिठाए ये सारा समाज। एक बार सब लोग अपना अपना काम साइड में रखकर मेरी बात गौर से सुनो। ये माइक मैंने वोट के लिए या असेंबली के लिए नहीं पकड़ा है, हमारे गांव के बच्चों का भविष्य। हमारे गांव का एक स्कूल है और वो भी टूट गया, उससे बच्चों की पढ़ाई रुक गई। उसके बारे में सोचने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए मैं बात करने आया हूँ। एक बार बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, उन्हें बुक देकर स्कूल में भेजना है या उनका भविष्य अंधेरे में रखना है? वो हमारी तरह मजदूर बने या फिर कलेक्टर बने, या हमारी तरह दुखी रहे या फिर वो लोग सुखी रहे, बोलो क्या करना है? जो करना है आप लोगों को करना है। हम बंजर जमीन में अनाज उगा सकते हैं तो क्या उनका भविष्य नहीं बना सकते? या कोई आएगा कुछ करेगा ये इंतजार करते रहेंगे? अरे हमारी जिंदगी इसलिए खराब हो चुकी है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। उन्हें पढ़ाई का मौका दो, पढ़ाई को बचाओ, पढ़ाई की रक्षा करो, ये सब आपके हाथ में है। आपसे जितना हो सकता है जितना बन पड़ता है करो। बहुत अच्छा बोलता है रे तू। अरे ए शंकर, तू जब माइक पकड़ के बोलेगा तो ये सारी जनता सुन लेगी का? जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक ये वोट नहीं डालते, और तुझे लगता है कि इस घड़े में पैसे डाल देंगे? जानते हो हमारे 70 साल के इतिहास में जनता ने सिर्फ पैसे लिए हैं, दिए नहीं हैं। पर तू दुखी मत हो रे शंकर, हम है ना तुम्हारे साथ। ये देखो 100 रुपया हमारा चंदा। बोल 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 मांग, अब चलो रे। शंकर ये मेरी पेंशन का पैसा है, मेरी जिंदगी जैसे बर्बाद हुई मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, डाल बेटा। नफरत की दुनिया में प्यार की धारा है, पापों के खातिर जो चलता अंगारा है, जो भी प्रण कर ले उससे पीछे जो कभी हटता ना, सूरज के जैसा बादल के पीछे जो छुपता ना, वादा करके वादे से जो कभी वो करता ना। शंभो शंकर डंकन कटकटा शंभो शंकर डंकन कटकटा सिर पे कांटों का ताज डंकन कटकटा कलयुग का धर्मराज डंकन कटकटा जिसको सिर माथे पे बिठाए ये सारा समाज। तरिन तक दिन डंकन कटकटा तरिन तक दिन डंकन कटकटा अ
अरे सांभा जी सरदार, ये बगल वाली सीट किसकी है रे? मालिक किसी एमएलए या एमपी की होगी। गांव के मास्टर लोग बड़े होशियार हो गए हैं, हमारे स्टैंडर्ड के लोग तो होने ही चाहिए। नमस्ते। मंदिर बनाने वाला बड़ा नहीं होता, मंदिर में बैठने वाला भगवान बड़ा होता है, और हम इस गांव के भगवान हैं। अरे समझा दे रे इसको। ए रुको, ये स्कूल हमारे शंकर भैया ने बनवाया है, तो हमारे स्कूल में तिरंगा भी शंकर भैया ही लहराएंगे। अरे तू क्या बोल रहा है रे बचवा, ये कोई पतंग नहीं है जो कोई भी उड़ा ले, झंडा है। सुनिए सर, जाने दीजिए ना, जब सब लोग यही चाहते हैं तो झंडा शंकर को ही फहराने दीजिए ना। चढ़ाइए सर पर, चढ़ाइए जाइए। देखिए पढ़ाई हमको बहुत पसंद है, और पढ़ाई करने वाले बच्चे भी हमको बहुत पसंद है। असल में यहाँ पर 70 साल पहले हमारे दादा ने पढ़ने के लिए स्कूल बनवाया था। नहीं, हमारे शंकर भैया ने बनवाया है। कौन है रे ये? अपने गिरधर का बेटा है मालिक। देख, हमारी तरह खूब पढ़ना और हमारी तरह ही बहुत बड़ा हो जाए। आपकी तरह होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? नहीं, वो बच्चों को समझ में आना चाहिए ना। क्या रे? आपकी तरह। ठीक है, तुम सबको हमारा आशीर्वाद है, ठीक है ना? जय हिंद। अब शंकर जी अपनी बात कहेंगे। बच्चों, सबसे पहले ये स्कूल बनाने में गांव वालों ने जो मेरी मदद की है उसके लिए कोटि-कोटि प्रणाम। हमारे गांव में पढ़ने के लिए पहले कोई स्कूल नहीं था, लेकिन अब पढ़ने के लिए स्कूल बन गया है। नमस्कार प्रेसिडेंट जी। कुछ लोग दुनिया में चरित्र के नाम पर जीते हैं, और बच्चों तुम पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाओ। यहां पर तुम्हारी नजरों में मैं एक हूं, पर अपनी नजरों से देखोगे तो मैं अनेक हूं। एक डॉक्टर, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक इंजीनियर, ऐसे बहुत से लोग दिख रहे हैं मुझे, और मुझे विश्वास है कि तुम लोग वो सफल होंगे। मर गई। तू कातिल है इसका, तूने मारा इसे। शंकर, तेरी वजह से क्या कर रहे हैं? जा, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी वजह से हुआ। तेरे हाथों से इसने मंगलसूत्र बंधवाया, तेरे साथ साथ फेरे लिए, अपने जिंदा होते हुए इसने नरक की यातनाएं भोगी। हर दम उस प्रेसिडेंट के आगे पीछे कुत्ते की तरह घूमता रहता है तू, अपना पेट मेहनत करके भर नहीं सकता था। देख, मर गई बेचारी तेरी वजह से। बिना वजह एक मासूम की जान ले ली तूने, इसकी वजह से मरी ये। शंकर सब हमारी वजह से हुआ। इस बार खेती नहीं हुई ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए मुझे छोड़ के चली गई है। शंकर भैया, मैं हूँ। क्या होगा मेरा? मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब भगवान ने नहीं किया है, और मैं भी कुछ होने नहीं दूंगा। पूछ रहा हूं,
जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या चाहिए तुम लोगों को? विश्वास, 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 विश्वास। हम जिंदा रहेंगे ये विश्वास, खुश रहेंगे ये विश्वास। अभी तक नेताओं पर विश्वास करके धोखा खाया, तुम जैसे ऑफिसरों पर विश्वास करके धोखा खाया, बस धोखा खाया है। मेरी बहन, खेती में अनाज नहीं उगा, बारिश नहीं हुई, बीज के लिए कर्जा लिया पर वो कर्जा नहीं चुका पाई और जहरीली बीज खाकर उसी खेत में मर गई। सर, ये बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, एक परिवार रास्ते पर आ गया। ये हमारी कहानी नहीं है, ऐसे हमारे गांव में कितने कितने सारे लोग मरते जा रहे हैं सर। कोई जहर खाकर मर रहा है, कोई फांसी लगाकर मर रहा है, कोई अपने आप को शॉक लगाकर मर रहा है सर। नदी का पानी जिस तरह से समंदर में मिल जाता है ना सर, उसी तरह हमारे गांव के लोगों की जिंदगी हवा में मिलती जा रही है। मेरे पिताजी को पैदा हुए 50 साल हो गए सर, लेकिन कभी उन्होंने खेतों में हरियाली नहीं देखी। मुझे पैदा हुए 25 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी अनाजों का ढेर नहीं देखा। एक बच्चे को पैदा करने में माँ को जितना दर्द होता है, एक किसान धरती में बीज बोने के लिए उतनी ही मेहनत करता है। हर गांव में जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे गांव में खेती जब होगी, जब अनाज होगा, तभी तो जश्न होगा। वो जश्न हम कब करेंगे सर? हमारे लिए कब होगा? अन्नदाता सुखी भव कहते हैं, अन्न देने वाला किसान कब सुखी रहा है? एक कपड़े का दुकानदार दूसरी दुकान में ना जाए इसलिए ऑफर देता है, पर अनाज उगाने वाला किसान वही राशन की दुकान पर खड़े रहता है सर। एक विश्वास करने वाला इंसान और एक किसान दोनों भी मिट्टी में मिल जा रहे हैं सर। सुबह उठो तो सब लोग सूर्य को नहीं देख रहे हैं, किसान को आत्महत्या करते हुए देख रहे हैं। अगर आप किसानों को नीची नजरों से देख रहे हैं ना सर, तो जिस तरह से एक राम था, एक कृष्ण था, उसी तरह से एक किसान था, ऐसा किताबों में रह जाएगा सर, बस ऐसा किताबों में रह जाएगा। मरने के बाद सरकार का पैसा हमें नहीं चाहिए सर, हमें जीने के लिए बस पानी दे दो। पीने के लिए अगर पानी ना हो तो किसान जी सकता है, पर खेती के लिए पानी नहीं होगा तो किसान कैसे जिएगा? मर जाएगा सर। पानी लेकर आइए सर, पानी लेकर आइए सर, किसानों के साथ न्याय कीजिए सर, खेती करने वालों की मदद कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ सर। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, सरकार से बात करके तुम्हारे साथ न्याय होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह हंगामा करके तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज। थैंक यू सर। समझने की कोशिश कीजिए। चलो शंकर, तुम्हें पुलिस की नौकरी नहीं मिले, इसीलिए फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद भी तुम्हारी फाइल पर रिजेक्शन की मुहर लगी है। ए, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया शंकर। सर, मुझे कुछ नहीं पता है। आई नो, सब जानता हूं। अरे मल्ले, जरा गमछा तो दे। और उनका धरना क्या है जरा देख। हाँ, देखता हूँ। ए, हट रहे। ए, तू हट रहे। बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? तो बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा, वो भी जिद्दी है और ये भी जिद्दी है, उन दोनों की वजह से हम लोग धूप में क्यों मरे? हम लोग कम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग भी तैयार हैं। सीरियसली ना? क्या रे, बच्चे ने तेरी पुंगी बजा दी क्या? बच्चा नहीं, डायनासोर है। अच्छा, मेरी बातें नहीं सुन रहा, वो बोल रहा है 4 पत्थर उठा के सर फोड़ देगा। अरे तू ही जाके निपटना यार। अच्छा ठीक है, मैं निपटता हूँ, तू जाके जीप में बैठ जा, चल। अरे मेरी जान, इसे तो पता चल गया, चल बहुत छुप लिया, बाहर आ जा। ये धरना कैसा है? आजकल तुम्हारा प्यार कम हो गया है मेरे लिए। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। अरे ये प्यार एक पेड़ की तरह होता है, वो कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता चला जाता है। पहले तो हर वक्त तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पार्वती नजर आती थी, पर आजकल सारा गांव नजर आता है। कब समझेगी तू? जो भी कर रहा हूँ इस गांव के लिए कर रहा हूँ। उस शंकर ने पार्वती के लिए अपना आधा हिस्सा दिया था, लेकिन ये शंकर तेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। चला चला।
मेरा शंकर। अरे कुछ कुछ हो रहा है मुझे, मेरा तो खुद पर कंट्रोल नहीं है रे बाबा। अरे सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो रे। अरे सुन, उस शंकरवा आएगा कारे? अगर उसने वादा किया है तो जरूर आएगा मालिक। देखिए आ गया। अरे शंकर, शंकर भाई, आओ 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 आओ, बैठो 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 भाई बैठो। कब से अपनी आंखें खोलकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो हम तो बुलाते ही आ गए। देखो तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी, मछली और साथ में ये तुम्हारे लिए स्पेशल स्कॉच भी मंगवाए हैं। क्या बात है प्रेसिडेंट साहब, अचानक दुश्मन से इतना प्यार कैसे जाग गया आपका? वो का है भाई, हमको तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। हाँ बोलिए ना। हमारे 70 साल के इतिहास, इसको छोड़ के और कुछ भी बोलिए। ये जो बच्चा है ना, इसका खून गर्म है, हमारी आंखों के सामने पैदा होकर बड़ा हुआ है। जानते हो शंकर भाई, सीन ऐसा है कि तू जो इस गांव की सेवा कर रहा है ना, उसके बदले तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग एकदम निकम्मे हैं। अरे भाई शंकर, तू नहीं जानता है, तू इनको कितना भी भोजन खिला दे, कितना भी इनका तू ख्याल रख, ये लोग तेरा एहसान नहीं समझेंगे, भूल जाएंगे। अरे शंकर भाई, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि तू इन लोगों के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। भाई तू हमको ऐसे का देख रहा है? तूने हमारे बेटे को मार दिया, पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती की, फिर हम इतना प्यार से क्यों बात कर रहे हैं, यही सोच रहा है ना? सही कहा ना? चरित्र के हर पन्ने एक जैसे नहीं होते हैं रे। देख जो कुछ भी हुआ हम भूल जाते हैं, तू हमारी बात सुनेगा तो पूरा का पूरा गांव हमारी सुनेगा, फिर हम दोनों मिलकर खूब कमा सकते हैं, जमीन खेत बंगला, अरे ये क्या, जो भी हमारी नजरों में आएगा उन सब पे अपना कब्जा हो जाएगा। हाँ मेरी बात सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो रहे ना, बता। अरे शंकर हमारे भाई सुन, आज से तू इस गांव का राजा और हम मंत्री। का चाहिए तुझको, अरे बता ना का चाहिए तुझको। तेरे फेंके हुए टुकड़े खाने वाला गंगा राजू नहीं है मेरा भाई। खुद का समर्पण करूंगा, लेकिन किसको करूंगा जानता है? सच्चाई को, इंसानियत को, जो जनता के लिए जीते हैं उनको, जो समाज के लिए खुद को त्याग देते हैं उनको समर्पित करूंगा। इस देश के लिए जो जो लोग अपना खून बहाते हैं उनको उनको मैं समर्पित करूंगा। तुझे क्यों समर्पित करूं? ए शंकर, प्यार से बुलाकर तुमसे बात की इसका मतलब ये नहीं कि हम झुक गए। अगर अपने पर आ गए तो तुमको पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। अरे भांजे, सुसु, हाथ हटाइए मामा जी, बच्चों की तरह के हाथ दिखाते हो, जाओ। खाने के बाद भी इतना सुकून नहीं मिलता। सही कहा। हो गया या कुछ बाकी है मामा जी? क्या देख रहा है, जल्दी कर जल्दी कर। अरे मामा जरा उतरो। अब क्या हो गया? कौन हो तुम लोग? गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई भांजे। कौन सा गांव है तुम्हारा? तिरुपति। तिरुपति? तिरुपति वो क्यों? भवानी भवानी भवानी। तिरुपति में भवानी? वेंकटेश्वर स्वामी। मुंडन के लिए। अच्छा मुंडन के लिए। तो तिरुपति मुंडन करवाने जा रहे हो? चलो ये तो अच्छी बात है। इसे क्या हो गया?
गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा धक्का मारना है। क्या मुसीबत है? धक्का देना पड़ेगा। अच्छा धक्का मारना है? धक्का, हाँ तो चलो धक्का मारना है। आओ धक्का मारते हैं। बैठो बैठो। चलो भाई चलो। हाँ मार रहे हैं मार रहे हैं। अरे उनको अंदर बिठा कर हम क्यों धकेले? सांड है सबके साथ। भाई धक्का। तू भी ना। बहुत भारी बैठ गए अंदर। अरे जोर लगा के आईशा। जोर लगाना पड़ेगा। आईशा। मारो। अरे मारो। जाने दो जाने दो। चलो गए। आराम से आराम से। बाय बाय। चलो अच्छा है बेचारे की गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अरे मल्ली ये जमीन तो अपने वेंकट की है ना। 100 एकड़ होने के बाद भी घर में खाली बैठा है। अरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो भाई अभी तो ठीक कराई है। एक बार रोक तो। अरे गाड़ी में बम है, चलो उतरो जल्दी। भागो यहां से। अरे भांजी तू भी चल, अपना जाओ, मैं आ रहा हूं। चलो चलो चलो। बहुत मजा आ रहा है। ये वापस कहाँ आया है रे? हाथ मिलाने आया होगा। ए हमको मारा कहाँ है रे? आरडीएक्स किसने रखा था? आरडीएक्स कहाँ है रे? ए हमको ट्रिपल एक्स पता है, डबल एक्स पता है, ये आरडीएक्स का है, कुछ नया है का? बाप रे, ए फिर क्यों मारा? हमारा पूरा जबड़वा हिल गया रे। आइंदा अगर तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो तेरे अंदर इतने छेद कर दूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। समझ गया? जिसने हलाहल विष पीकर अपने गले को नीलकंठ बना लिया था उस मृत्यु को जीतने वाले परमेश्वर का भक्त है यह शंकर। कोई नहीं मार सकता। ये किस लिए यहां आया? किस लिए मारा हमको? किस लिए चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे शंकर भैया आ गए। क्या वो मामा कोई मेला लगा है? अरे नहीं भैया, बोरिंग करवाने के लिए सरकारी अफसर आए हैं। चलो चलो जल्दी करो, चल के देखो ना। नमस्ते शंकर। नमस्ते सर। नमस्ते। वाह शंकर, तुम जैसा चाहते थे वैसा डिपार्टमेंट ने तुम्हारी बातें मान ली हैं। सर मैंने क्या किया है? जो किया है तो शुभारंभ करो। अरे सर आप ही आइए ना। कृपा करना माता। बोल गंगा मैया की जय। गांव में अच्छे से पानी आ जाए। सर पानी तो आएगा ना? टेंशन मत लो शंकर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर गांव में होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अरे भांजे। हाँ मामा जी, कहाँ हो आप? बहुत गड़बड़ हो रही है भांजी। क्यों क्या हुआ? हमने सोचा प्रेसिडेंट सुधर गया लेकिन वो दूसरे से स्मगलिंग करा रहा है। कौन मामा? ये तो पता नहीं, सब नए नए चेहरे हैं। अच्छा कहाँ पर? श्रवण नदी के पास हूँ। अरे आप वहाँ क्यों गए? भांजी जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं। आ जा, आ जा। मामा 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 अरे आज हमारे बीच मामा नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है।
कि वो हमें छोड़कर चले गए। अरे उनका दुश्मन कौन हो सकता है? तुझसे बदला लेने के लिए वो प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पाया तो उसने मामा को ही मार दिया। वो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है तो कौन है? चिल्ला क्यों रहा है? बोला ना वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है वो। वो छोटी छोटी मछली है, कीड़े मकोड़े खाते हैं वो नहीं है। अरे तुझे क्या पता है? इन हाथों से उठाया उन्हें, इन हाथों से चिता पर रखा है, इन्हीं हाथों से चलाया है। वो नहीं है, उसके पीछे कोई और है। जंगल में शेर के पीछे भी कोई चीता है। जो भी जंगल में उसके रास्ते आ रहा है वो उसे हटा रहा है। वो कौन है उसका पता लगाऊंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा उसे। हमको यहाँ किस लिए बुलाए भाई? अरे ये क्या कर रहे हो भाई? दो ट्रक माल, पता है उसकी कीमत? 5 करोड़ रुपए। लक्ष्मी देवी साक्षात यहाँ जंगल में है और 2 रुपए 4 रुपए के लिए गांव की जनता को नोच रहा है। इसीलिए शंकर तेरे पीछे पड़ा है। तू उसे उकसा रहा है और तेरी बैंड बजा रहा है। वो गलती की तुझे पार्टनर बना के बिजनेस में। इतने दिनों से सोच रहा था कुछ तो करेगा। मेरी बहन मर गई तो क्या उसकी याद में मैं रोता रह जाऊं? बात समझ, बिजनेस बिजनेस होता है। अरे हमारी बात तो सुनो भाई। समझ गया, तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। छोटी छोटी मछलियां बहुत पकड़ ली, अब बड़ी डील करनी है, पूरे 100 करोड़ की। अब चाहे कुछ भी हो जाए, माल कल तक उसके पास पहुंचाना ही है। जो बीच में आए खत्म कर दो। शाबाश शाबाश भाई, इससे तो हम दोनों का इतिहास बदल जाएगा। सत्तर सालों में बहुत इतिहास बना लिया है, अब रेस्ट कर। अब वो बात नहीं है भाई, रेस्ट लेना ही तेरे लिए ठीक होगा। विजय। हाँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। नमस्ते सर। हाँ शंकर, वेल डन, आखिर तक तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, बहुत बढ़िया काम किया है। अगर तुम्हारी ही तरह हर पुलिस ऑफिसर मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करे तो हमारे डिपार्टमेंट का गौरव बढ़ जाए। पर ये जॉब तो नहीं मिली ना सर। एनीवे, तुमने इस कहानी का खात्मा कर दिया। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? हाँ सर, एक से बढ़कर एक होते हैं दुनिया में। पते की बात है सर, बहुत पते की बात है। अगर इसको छोड़ देंगे ना तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा सर, उसे पकड़ना होगा सर। अब मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ सर, उसके बाद ही ये कहानी खत्म होगी सर, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, प्रोसीड। हेलो, वहां जंगल के पेड़ कट रहे हैं तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, यहां मैं तेरी पूरी फैमिली को काटने वाला हूँ। अगर तू 5 मिनट के अंदर इस गांव में नहीं पहुंचा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा यहाँ। किसी को अगर खरोच भी आई तो जमीन में गाड़ दूंगा। अरे तो आना। इस टिंडे को देख के प्रेसिडेंट साहब डर गए, इतना सा ही तो है ये। मेरे आदमी लोग तुझसे इतना डरते क्यों है समझ नहीं आता। जैसे माता को बलि देते हैं वैसे ही आज मैं तेरी बलि दूंगा। ए, मार इसे।
मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। अब तक जो नाटक किया वो बंद करो भैया, बंद करो। क्या बात कर रहे थे? मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। गांव में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह सिर्फ तू है। मुझे पुलिस की नौकरी ना मिले इसलिए तूने। ये ले, जिसको देना है दे। किसी भी हाल में शंकर को जॉब नहीं मिलनी चाहिए। तेरे हर काम में मैं रुकावट बन रहा था इसलिए तूने हर वक्त मुझे मारने की कोशिश की। बहुत पावरफुल बम है, कौन सा वायर कहां कहां से कनेक्ट हुआ है सब अच्छी तरह से चेक कर लो। तूने जितने गुनाह किए वो सब पता लगा लिए है मैंने। तूने मामा को भी मार दिया। बहुत हुआ तेरा नाटक। किस किस को मेरे बारे में बताया पता? वाह, क्या नाटक किया है अब तक तूने? अब तक अपना पराया बन के नाटक किया, अब नाटक की कोई जरूरत नहीं। अभी तक तूने मेरा असली रूप नहीं देखा। मैं राक्षस हूँ, राक्षस। ये मेरा साम्राज्य है, आई बात समझ में? ये सब क्या है भैया? ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। आपकी एक अच्छी फैमिली है, एक बीवी, एक बच्ची है। ऐसे जिंदगी छोड़ दो भैया, ऐसी जिंदगी छोड़ दो। यही मेरी जिंदगी है और यही सच्चाई है। राजू, राजू सुन बेटा, ये क्या कर रहा है? अरे, तू पागल हो गया है? तू इंसान है या जानवर? तेरा छोटा भाई है, उसे मार डालेगा क्या? गलत कर रहा है भाई, तो गलत कर रहा है। क्या गलत है बोल? अब तक दरिद्रता में पला बढ़ा हूँ, ऐसी जिंदगी तुझे मुबारक हो। मैं ऐसे नहीं जी सकता, इसलिए जंगल को अपनी जायदाद समझा और ऊंचाई पे चढ़ने के लिए उन्हीं पेड़ों का सहारा लिया। और तू मेरे हर काम में रुकावट बनता रहा, इसीलिए मैंने तुझे पुलिस नहीं बनने दिया। और क्या करता बन के? बहन मर गई फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन तूने मेरा बिजनेस बर्बाद किया ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए तुझे मारने की प्लानिंग की। मेरे सारे किए कराए में पानी फेर दिया तूने। भैया, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है तुम्हें मारने के लिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये काला बाजारी हमें नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैया, धर्मराज जी से बात करके मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ भैया, ये सब छोड़ दो भैया, ये सब। अगर मैंने तुझसे बात की तो तू मुझे ही बदल देगा। अरे हिम्मत है तो मार मुझे। Come on!
क्या देख रहा है, क्या देख रहा है बोल? कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे मारने आ रहा है क्या? बहुत लाल सा है ना तेरे दिल में, आज निकालता हूँ। कब से विनती कर रहा था लेकिन तू सुन नहीं रहा था। छोड़ो इसे, हट जाइए सर, अभी इसकी अकल जाने लगा। हट जाइए आप, मुझे छोड़ो, इसको हाथ से साथ लो। ए, इसे यहाँ से लेकर चलो, चलो नीचे उतरो। ए, पैसा पैसा बोल रहा था ना, माँ से बड़ी कोई जायदाद नहीं होती और बहन से बढ़कर कोई सोना नहीं होता और ना ही परिवार से बढ़कर कोई दौलत होती है। शोहरत से तो सिर्फ नाम होता है, लेकिन दिल से प्यार करो तो पूरा गांव हमारे साथ होता है। लेकर जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ इसे। सर, ऐसे लोग जनता के बीच नहीं होने चाहिए, डाल दो इन्हें अंदर और मार डालो ऐसे लोगों को। मैंने देखा शंकर, तुमने अपने भाई को जो अन्याय का साथ दे रहा था उसे भी नहीं छोड़ा। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट करके सच कहूं तो बहुत बड़ी गलती की है, पर तुमने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने सर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है तुमने। मैं आज ये बात पूरे गांव के सामने कह रहा हूं, तुम पुलिस में एसआई बनोगे और तुम्हारी पोस्टिंग इसी गांव में होगी। सर, मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है। इस गांव में पहले बहुत सारे दुख थे, इसलिए मुझे मेरा गांव पसंद था, लेकिन अब इस गांव में कोई भी दुख नहीं है सर। इस गांव में सारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं सर, सारी प्रॉब्लम क्लियर है। अब जिस किसी गांव में तकलीफ हो मुझे वहां भेजिए सर, फटाफट फटाफट उस गांव में से गुंडों को भगा दूंगा सर, मुझे उस गांव में भेजिए सर। शंकर, ये बहादुरी मुझे पसंद आई, इसी जोश और जज्बे के साथ तुम्हें यहां काम करना है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।